प्रशासन को या तो आयोजन नहीं कराना चाहिए या अन्य जिला के लोग को नहीं बुलाना चाहिए। और अगर विवाद शुरू हुआ जब हाजीपुर के लोग जीत गए, विवाद शुरू हुआ तो जिला प्रशासन के लोगों को रोकना चाहिए था, लेकिन मुख्य दर्शक बन के बैठे रहना। जब उधर से छूटा था हरी झंडी नहीं मिला था, आगे चला है पहलवान से, इसीलिए हो गया कि हम आगा हो गया, हम आगा हो गया। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए। बिहार के विश्वविख्यात सोनपुर मेला में भीषण हंगामा की खबर सामने आई है, जहां पर बीते दिन नौका दौड़ के दौरान कुछ पक्षों में वहां के जो नौका रेस में भाग लेने वाले लोग आए थे उनमें जमकर मारपीट हुई है, लाठियां चली है। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से लाठियां भाई जा रही हैं, डंडे चल रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। सोनपुर सारण क्षेत्र में पड़ता है और इस वक्त बताया जा रहा है कि जो सारण प्रशासन है उनकी पूरी तरह से ये नाकामी है। कहा जा रहा है कि हर बार वहाँ रेस होता है, सोनपुर मेला में नौका रेस का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर बार लगभग हाजीपुर और उसके आसपास की टीमें जीत जाती हैं। इस बार भी हाजीपुर की टीम जीती है और जैसे ही टीम जीती निर्धारित गंतव्य स्थान तक पहुँचती है अपना नौका लेकर की घाट पर मारामारी शुरू हो जाता है। इसका विरोध होता है चाहे जो भी कारण हो, जीत से खफा हो या फिर उसके कोई और कारण हो, किसी ने कुछ बदसलूकी की हो, लेकिन जो हुआ वो प्रशासन के सामने हुआ है। प्रशासन वहां खड़ी रही है मूक दर्शक बनकर और इसके बाद जमकर मारापारी हुई है, लाठियां चली हैं, लोगों के सर फटे हैं, कई लोगों के इलाज के लिए हाजीपुर में भर्ती कराया गया है। इस पर वहां के जो विधायक हैं हाजीपुर के अवधेश कुमार, उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रशासन की तरफ से ये जानबूझकर कराया गया है। कहा जा रहा है कि जब जानबूझकर जब हाजीपुर की टीम जीत गई तब उस पर आरोप लगाया गया कि बेईमानी हुई है या किसी तरह का साजिश रचा गया है और उसके बाद ये हंगामा क्रिएट किया गया ताकि किसी तरह से इस खेल को भंडोल किया जा सके, खत्म किया जा सके, इसको फिर से कराया जाए। खूब लाठियां चली है, बहुत लोग घायल हुए हैं, पुलिस सामने खड़ी रही है, कुछ नहीं कर रही थी। ये वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ एक दो पुलिस वहां नजर आई है। प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से ये लापरवाही का मामला सामने आया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रशासन ही इस रेस को आयोजित करवाती है और जब प्रशासन ही इस रेस को आयोजित करवाती है तो प्रशासन कहां थी, कोई प्रशासन नजर नहीं आया। मारामारी चलता रहा, करीब घंटे डेढ़ घंटे तक ये लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप किया है तब जाके ये मामला कहीं शांत हुआ है। पुलिस कह रही है, पुलिस तो खुलेआम तौर पर यही कह रही है कि हाजीपुर की टीम सिग्नल से पहले ही पहुंच गई, जीत कैसे गई। एक तरफ से ये जो बेईमानी की बात उठ रही है, खेल में चीटिंग की बात चल रही है, ये पुलिस के हवाले से ही कहा जा रहा है, तो जाहिर तौर पर आम जनता में ये बात फैली होगी जिसके बाद ये लाठियां चली है। अवधेश सिंह जो विधायक है हाजीपुर के, उन्होंने कहा है कि सारण प्रशासन की पूरी तरह से नाकामी है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी इस मामले को सुलझाया जाता, लेकिन उन्होंने और आग में घी डालने का काम किया है जिसके बाद ये हंगामा बरपा है। फिलहाल सुनिए कि वहाँ की पुलिस जो कह रही है उनको सुनिए और फिर विधायक अवधेश सिंह क्या कह रहे हैं हाजीपुर के वो भी सुन लीजिए और बताइए कि इस पूरे मसले पर आप क्या कहते हैं। सोनपुर में अगर आपने देखा है तो क्या आप भी इसके संबंधित रहे हैं, अगर हैं तो बताइए क्या कुछ हुआ था। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को, धन्यवाद। हम लोग उसी संदर्भ में आए हैं क्योंकि नाविकों का एक रेस होता है जो जिला प्रशासन सोनपुर वैसारण कराता है सोनपुर मेला के अवसर पर, तो हर साल चूंकि हाजीपुर के जो लोग होते हैं नाव चलाने वाले जीत जाते हैं, फर्स्ट सेकंड सब दिन हाजीपुर के लोग ही करते हैं। तो हमको लगता है कि प्रशासनिक पदाधिकारियों की मौजूदगी में वहां पहले से प्लान के तहत मारपीट किया गया है। जब लोग फर्स्ट और सेकंड दोनों जीत गया था तो मारपीट की गई है, कई लोग इंजर्ड हो गए हैं और एक आदमी ज़्यादा खराब स्थिति में, जिनका सीटी स्कैन वगैरह अभी डॉक्टर से हमारी बात हुई है, इलाज के क्रम में सीटी स्कैन और एक्सरे वगैरह। कैसे देख रहे हैं इस घटना को आपके क्षेत्र में? जिला प्रशासन को या तो आयोजन नहीं कराना चाहिए या अन्य जिला के लोग को नहीं बुलाना चाहिए। और अगर विवाद शुरू हुआ जब हाजीपुर के लोग जीत गए, विवाद शुरू हुआ तो जिला प्रशासन के लोगों को रोकने सख्ती से रोकना चाहिए था, लेकिन मुख्य दर्शक बन के बैठे रहना, तो ये बहुत ही घिनौना कृत्य जिला प्रशासन सारण के लोगों ने। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।